दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आप लोगों ने हमारे पिछले वाटर स्लाइड वीडियो को काफी पसंद किया था, इसलिए इस बार फिर से मैं आप लोगों के लिए वाटर स्लाइड का पार्ट टू वीडियो लेकर आया हूं। और वाटर स्लाइड का मजा गर्मियों के मौसम के अलावा और किसी भी मौसम में नहीं आता, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिसे देखकर आपका होश उड़ना तय है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को दबा देना। नंबर एक, दोस्तों आप लोगों ने कई सारे वाटर स्लाइड देखे होंगे, पर यह एस्केप थीम पार्क का वाटर स्लाइड उन सबसे अलग है जो कि मलेशिया में स्थित है। तो यह वाटर स्लाइड को दुनिया का सबसे लंबा वाटर स्लाइड होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, जो कि यह रिकॉर्ड इसलिए मिला है क्योंकि इस वाटर स्लाइड की लंबाई 1100 मीटर इतना है। इस वाटर स्लाइड में आपको स्लाइड करते समय जंगल का नजारा दिखने को मिलेगा क्योंकि यह जंगलों के बीच में बनाया गया है, जिसमें आप ऊंचाई से जंगलों के बीच में स्लाइड करते हुए जाएंगे और वो भी एक गजब के रफ्तार के साथ। इसमें आपको वाटर स्लाइड का मजा काफी देर तक मिलेगा क्योंकि आप पूरे 1 किलोमीटर तक स्लाइड करते हुए जाएंगे, पर यहाँ पर खतरा बना रहता है क्योंकि अगर स्पीड में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो आप स्लाइड से बाहर गिर सकते हैं क्योंकि इसके स्लाइड के बाउंड्रीज बहुत छोटे बनाए गए हैं। नंबर दो, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं दुनिया का सबसे सीधा वाटर स्लाइड, पर खतरनाक होने की वजह से अभी यह वाटर स्लाइड को बंद कर दिया गया है, जो कि यह स्लाइड स्प्लैश कंट्री वाटर पार्क में स्थित था। और आप लोग देख सकते हैं कि यह वाटर स्लाइड कितना सीधा है और वो भी एकदम नीचे की तरफ। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें स्लाइड करते समय कितना डर लगेगा, जिसमें आप इतनी तेजी से नीचे जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप नीचे पहुँच गए हैं। नंबर तीन, दोस्तों यह स्लिप एंड फ्लाई वाटर स्लाइड है, जिसका नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि यह कैसा वाटर स्लाइड है। तो इस वाटर स्लाइड में लोग स्लाइड के साथ हवा में जंप करने का भी मजा उठा सकते हैं, जो कि रोमांचक के साथ डरावना भी है क्योंकि यह स्लाइड कमजोर दिल वाले लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसमें तो पहले लोग स्लाइड पे स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं और कॉर्नर पर पहुँच कर वे लोग बहुत ऊंचाई से जंप करके पानी में गिर जाते हैं, और यह जंप बहुत ऊंचा होता है जिससे मजा और बढ़ जाता है। गर्मियों के मौसम में एडवेंचर सीकर्स के लिए यह स्लाइड सबसे बेस्ट है, जो कि मेक्सिको में मौजूद है। नंबर चार, दोस्तों ये वाटर स्लाइड स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 168 फीट है। और यह स्लाइड करने के लिए पहले तो लोगों को 260 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, और जब लोग ऊपर पहुंच जाते हैं तो एक राफ्ट में 4 लोगों को बिठाकर यह स्लाइड करवाया जाता है। और जब यह स्लाइड शुरू होता है तो लोग 65 माइल पर आवर के स्पीड में जाते हैं, जो कि इतनी तेज होती है कि आप सिर्फ नीचे 16 सेकेंड्स में पहुँच जाते हैं। और यह वाटर स्लाइड कैनस सिटी में मौजूद है। नंबर पाँच, ये किंग कोबरा स्लाइड एक आम वाटर स्लाइड की तरह है, पर इसे अनोखा बनाता है इसका यूनिक डिजाइन, जो कि एक कोबरा की तरह बनाया गया है। और इस स्लाइड के कलर भी कोबरा की तरह ही है, जिसमें दो लोग इस स्लाइड में रेस करने के लिए आते हैं। तो दो लोग एक साथ स्लाइड में बहुत तेजी से स्लाइड करते हुए जाते हैं, और जब वो लोग बाहर निकल जाते हैं तो वह इस स्लाइड में ऊपर और नीचे स्लाइड करने लगते हैं। और ये ऐसा तब तक होता है जब तक वह रुक नहीं जाते, जो कि ऐसा करते समय लोगों को सांप के मुंह के अंदर और बाहर जाने का एहसास होता है। नंबर छः, दोस्तों अब यह वाटर स्लाइड एक डैम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जहां पर लोग स्लाइड एक डैम में करते हैं। और इसमें लोग बहुत अजीबोगरीब तरीके से स्लाइड करते हैं, जैसे कि लोग यहां तक कि साइकिल पे यहां पर आकर स्लाइड करते हैं, और व्हील चेयर पर भी स्लाइड किया जाता है, जो कि यह स्लाइड इतना फेमस सोशल मीडिया के वजह से हुआ है, जिसे रोक देना चाहिए क्योंकि अगर यह स्लाइड चलता रहा तो इसे खतरा भी हो सकता है।
नंबर 7 दोस्तों, अब यह ऑस्ट्रेलिया का वाटर स्लाइड है जिसमें दो लोग ट्यूब में बैठकर स्लाइड करते हैं और अगर ट्यूब को अच्छी तरह से पकड़ा ना जाए तो बहुत बुरा भी हो सकता है, जो कि आप यह वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना।